हेलो दोस्तों, ये है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स 2.0 का बॉक्स। फ्रंट में उन्होंने ब्रांडिंग दिया है और यह है प्रोडक्ट, और बैक साइड में उन्होंने फीचर्स लिखे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। फास्ट्रैक में लिखा है रिफ्लेक्स 2.0। तो यहाँ पे लिखा है कॉल एंड व्हाट्सएप डिस्प्ले, कैमरा कंट्रोल है, फाइंड यूअर फोन, ये नए फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं। हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये बॉक्स, ओके, तो बॉक्स के अंदर उन्होंने यहाँ पे मैनुअल दिया है। यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में। ये और ये प्रोडक्ट दिया है इन्होंने। मैं पहले चार्ज करना पड़ेगा, तो मैं चार्ज करने के बाद आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स के बताऊंगा। फिजिकल और उनकी बात करेंगे तो ये है बैंड, तो मैंने पहले से पैर करके रखा था इसको। अगर आपको निकालना रहेगा तो ये बैंड को हम ऐसी तरह से निकाल सकते हैं। ये निकल गया बैंड से। और आपको अगर चार्जिंग करना है तो आप कोई भी पोर्ट लेके यहाँ से आप सिंपली इसको पोर्ट के अंदर डाल के ये चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग के लिए काफ़ी इजी वे दिया है उन्होंने। तो दोस्तों, प्ले स्टोर में जाइए और फास्ट्रैक फिटबैंड 2.0 करके डालिए, तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा जो आपको पेयर करना पड़ेगा बैंड के साथ। तो मैंने पहले से पेयर करके रखा है, तो सिंपली है, कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है। ब्लूटूथ से द्वारा आप उसको पेयर कर सकते हैं। तो ये है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स का फर्स्ट स्क्रीन। तो यहाँ पे अच्छी तरह से उन्होंने UI में दिखाया है, तो मेनू बटन से यहाँ पे और फिटनेस के बारे में दिखाया है। तो यहाँ पे मेंशन किया है 39 स्टेप, यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन किया है, यहाँ पे कैलोरी मेंशन किया है। अगर मेनू में जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिलेंगे, जो माय अकाउंट है, गोल सेटिंग है, बैंड सेटिंग है। तो माय अकाउंट में आप पर्सनल अपनी इन्फॉर्मेशन रहेगी इसके अंदर। और गोल सेटिंग में तो यहाँ पे दिया है स्टेप्स, टारगेट, स्लीप सेटिंग। तो स्टेप्स टारगेट पे क्लिक करते तो यहाँ पे आप दिन के कितने स्टेप चल सकते हो उसके बारे में आप डाल सकते हैं। तो ये आपका गोल सेटिंग हो गया। फिर मेनू में जाएंगे तो बैंड सेटिंग में बताया कि आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बैंड पहनना है, बैंड डिस्प्ले है, बैंड डिस्प्ले में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। तो और बाकी के सेंडिटरी है, वाइब्रेशन अलार्म है, बाकी के फीचर्स उन्होंने मेंशन किए इसमें। मेनू में जाएंगे तो फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ ट्रबल शूट है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो ट्रबल शूट में जाके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसके बारे में अबाउट अस है। तो दोस्तों, हम अभी बैंड को बाकी जो फंक्शन है मैंने बताया था तो उसके बारे में और जानेंगे। तो दोस्तों, बैंड को हम लोग ने ऐप के साथ सिंक कर लिया है। तो यहाँ पे फास्ट्रैक रिफ्लेक्स का डिस्प्ले दिख रहा है, जहाँ पे उनका UI है, काफ़ी अच्छा UI है और काफ़ी अच्छा LED डिस्प्ले है, वो तुरंत पता चल जाता है। नंबर भी काफ़ी अच्छे विजिबल है। तो यहाँ पे आपको टाइमर और मंथ और आपको डेट दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ बटन है, काफ़ी स्मूथ बटन है। तो आपको नेक्स्ट फीचर जो है इसमें से सिंक कर सकते थे। बात करते हैं अदर फीचर जो बैक साइड में उन्होंने मेंशन किए हैं बॉक्स के, तो उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमने तो ऑलरेडी डिस्प्ले के बारे में जाना, तो स्लीप ट्रैकर करके लिखा है। स्लीप ट्रैकर अगर आपको जानना है तो स्लीप ट्रैकर यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे स्लीप ट्रैकर लिखा है। यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पे आपको आप दिन में या कितने सोते थे उसके बारे में डिटेल्स आएंगे। तो यहाँ पे नंबर जो दिए ये डेट से, तो यहाँ पे आप हावर्स वाइज आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको स्टेप, डिस्टेंस और कैलोरी ट्रैकर दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लिक करेंगे तो आपको डेट वाइज यहाँ पे पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेंशन किया था आपने 39 स्टेप चले हैं, 2 कैलोरीज है और 0.02 किलोमीटर्स आप चले हैं, तो यहाँ पे मेंशन है। तो अभी यहाँ पे मेंशन किया है तो सैंडिटरी रिमाइंडर के बारे में अगर बात करें तो आप मेनू में जाके बैंड सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको सैंडिटरी रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया है, देखो, रिफ्लेक्स इन बिगिनिंग टाइम और एंड टाइम। तो आप अगर 15 मिनट का सैंडिटरी टाइम देते हैं, मतलब आप अगर ट्रैवल कर रहे हो और 15 मिनट के लिए आपने बस में अगर सो गए तो आपको 15 मिनट के बाद अलार्म करना है, तो ये आपका ट्रैक वाइब्रेट हो जाएगा और आपको रिमाइंडर दिलाएगा। तो यह है सैंडिटरी। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट मतलब स्विमिंग के लिए आप यूज़ करोगे तो वो
यूजेबल नहीं है। अगर बारिश में अगर आपके बैंड पे कुछ वाटर ड्रॉप गिरते हैं तो इट्स ओके, तो आप क्लोथ से उसको क्लीन कर दीजिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आप डीप वाटर में उसको यूज़ मत कीजिए तो ये बैंड ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है वाइब्रेशन अलार्म, वाइब्रेशन अलार्म आप यहाँ पे जाएंगे तो बैंड सेटिंग में आपको वाइब्रेशन अलार्म सेटिंग दिख रहे हैं, तो वाइब्रेशन अलार्म सेटिंग करें तो आपको 5 वाइब्रेशन अलार्म आप सेट कर सकते हैं। तो आपके जो प्रायोरिटीज़ है, जैसे आपको जिम में जाना है, आपका लंच टाइम है, आपका पार्टी टाइम है, आपको ऑफिस से निकलने का टाइम है, जो भी टाइम है आप 5 टाइम यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हैं और यह आपका बैंड वो टाइम पे वाइब्रेट होगा। तो वाइब्रेट काफ़ी अच्छा वाइब्रेट होता है तो तुरंत पता चल जाता है कि उसके बारे में बाद में है। यहाँ पे उन्होंने 10 डेज पावर रिजर्व दिया है, तो 10 डेज पावर रिजर्व मतलब आप फुल चार्ज करते हैं तो आपको ये 10 दिन तक ये आपका पावर चल सकता है अच्छी तरह से। तो दोस्तों अभी आते हैं मेन फीचर्स के, मेन फीचर जो यहाँ पे न्यू फीचर उन्होंने इंक्लूड है, कॉल और व्हाट्सअप डिस्प्ले, कैमरा कंट्रोल और फाइंडर जोर। तो दोस्तों फाइंड योर फोन, अगर आपका फ़ोन कितने डिस्टेंस में आप भूल जाते हो तो 100 मीटर के दायरे में आप उसको पता कर सकते हो कि आपका फ़ोन कहाँ पे है। तो आप सिंपली यहाँ पे मेनू में क्लिक कीजिए, बैंड सेटिंग में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको फाइंड माई बैंड करके, तो फाइंड माई बैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंड वाइब्रेट होने लगा, तो वाइब्रेट होगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। तो इस तरह से, और सेम फीचर यहाँ पे भी है बैंड के अंदर, बैंड के अंदर अगर आपका मोबाइल अगर किधर आप रख रहे हो और आप भूल जाते हो तो आप बैंड के दरम्यान, बैंड से यहाँ पे जो सर्च बटन दिख रहा है यहाँ पे आप ऐसे कुछ सेकंड के लिए क्लिक करके रखिए, 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पे आपको लाइट, ब्लैक लाइट जलती हुई दिख रही है, तो ये आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोन कहाँ पे आपने रखा है। तो वाइस वर्सा आप मतलब आप बैंड भी आपका ढूंढ सकते हो और आपका मोबाइल भी आप ढूंढ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर उन्होंने मेंशन किया है। दोस्तों अगर बात करेंगे तो कैमरा की, तो कैमरे पे आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं बैंड से, तो बैंड से आप अगर यहाँ पे अभी ऑप्शन दिख रहा है कैमरे का, तो मैं 5 सेकंड के लिए ये बटन पे प्रेस करके रखता हूँ सिंपली, तो यहाँ पे देखो आपको अभी कैमरा ऑन हुआ हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो फोटो हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम कॉल एंड व्हाट्सएप डिस्प्ले के बारे में जानेंगे, तो कॉल और व्हाट्सएप के लिए एक सिंपली यहाँ पे मेनू में क्लिक करो, यहाँ पे बैंड सेटिंग में जाओ, बैंड सेटिंग में नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा है, नोटिफिकेशन में आप क्लिक कर दे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन, अभी मैं फ़िलहाल ऑफ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो नोटिफिकेशन में आप ऑन कीजिए तो यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन दिखता है, तो ऐप नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद, ऐप नोटिफिकेशन जब क्लिक करते हो तो आपको ये व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जो आपको नोटिफिकेशन चाहिए बैंड में दिखना चाहिए तो उसके आप बटन ऑन कर, तो ये मैं सेटिंग सेव कर दिया मैंने। तो अभी मैं दूसरे मोबाइल से एक मैसेज करता हूँ, तो देखिए तो ये बैंड पे आपको दिख रहा है कि व्हाट्सअप मैसेज आया है गुड मॉर्निंग करके, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैसेज चला जाएगा। अगर मैं कॉल करता हूँ दूसरे फ़ोन से तो आपको कॉल का भी नोटिफिकेशन कैसे मिलता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो मैं एक फ़ोन करता हूँ, ठीक है, तो ये रिंग बज रहा है, तो देखो तो ये मेरे मोबाइल पे अभी रिंग आ रहा है और मेरे मोबाइल पे भी आपको रिंग दिख रहा है, मेरे बैंड में भी आपको नोटिफिकेशन था। तो अभी आप क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन तो का नंबर ऑफ हो जाएगा पर यहाँ पे आपको मोबाइल पे रहेगा, तो आपको मोबाइल पे जाके मैनुअली आपको ये करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल कट करता हूँ, तो ये बैंड के सारे फीचर मैंने आपको दिखाए, काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छे फीचर्स है। तो अभी ये फ़िलहाल तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे तो ये 2000 के अंदर मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 2000 का प्राइस है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस है और अच्छे फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एक स्मार्ट वॉच के हिसाब से और फिटनेस ट्रैकर के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा और शाइनिंग वाला ब्रांड लग रहा है और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है, और मेरे हिसाब से तो अभी यूथ के लिए तो ये मतलब काफ़ी अच्छा ब्रांड लग रहा है और काफ़ी लोगों ने पहना भी है, मेरे दोस्त भी बहुत सारे यूज़ करते हैं ये प्रोडक्ट।
मेरे हिसाब से तो ये 2000 में काफ़ी अच्छा वर्थ प्राइस है इसका। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे मैं बनाता रहूँगा। और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।